बस का सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेबल कवर बताती हूँ। इसके लिए एक साचा, इस तरह का साचा चाहिए रहेगा जो हमने लकड़ी का बना के लिया है। करीब 1.5 फीट का साचा है ये। 1.5 फीट का साचा हमने बनाया है। इसमें 1-1 इंच के गैप में बारीक खिल्ले हमने लगा लिए हैं। बारीक खिल्ला हमने लगा लिया है 1-1 इंच के गैप में, देख सकते हैं आप। 20 खिले, 20-20 खिले चारों तरफ हमने लगा रखे हैं। 2 गोला अलग अलग लिया है एक ही कलर का, और दोनों से हम ले लेंगे लपेटने के लिए। इस तरह से गांठ लगाएंगे। लेंगे जितना घना आपको करना है उस हिसाब से आप कर लीजिए। यहां हमने 5 फेरा किया है। पांच फेरा हमने यहाँ पर ले लिया है। दूसरे लाइन में हम इस तरह से लेंगे। थोड़ा टाइट करके हमने लिया है। इस तरह हम पूरी लाइन लपेट लेंगे। 5 फेरा हमने लिया है, इसी तरह पूरी लाइन लपेट लेंगे। एक लेयर बना दिया है, 5-5 का लेयर बनाया है। अभी दूसरा लेयर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमारा 5 लेयर इधर हमारा खत्म हुआ, पहला लेयर इसको हम इस तरह से लपेट के इधर लेके जाएंगे पहले लेयर के लिए। इस तरह से हमने इधर भी करनी है। इस तरह से यहाँ भी आप एक लेयर कर लीजिए। इस तरह इसी तरीके से लेयर हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पर हम इस तरह से गांठ लगा के निकाल देंगे। मजबूत गांठ लगा लीजिए इस तरीके से। हल्का पिंक कलर हमने लिया। फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने शुरुआत किया। उसी तरह इसका भी हम लेयर कर लेंगे। 5 लेयर इसका कर लेंगे हम। हमने 4 लेयर बना लिया है, लपेट लिए है। 2 लेयर हमने इसका किया है पिंक कलर का, 2 लेयर हमने जामनी कलर का किया है इस तरीके से। अब इसे हमें सिलना है, चारों पकड़ के नीचे से लेके ऊपर तक हमें बांधना है इसे। ये चारों नीचे का भी हमें और ऊपर का भी दोनों लेके हमें बांधना है, दोनों भाग लेके। तो इस तरीके से हम सुई में धागा डाल लेंगे। डबल धागा मैंने डाला है। इस तरीके से हम ले लेंगे। धागा नहीं, ऊन है, ऊन ही लेंगे हम। एक इधर से और एक इस तरफ से, दोनों तरफ से हमें लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें गांठ लगा लीजिए।
मजबूती से आप खींच के गांठ लगा लीजिए। दो दो बार हमने लिया इस तरीके से ताकि हमारी गांठ मजबूत रहे। ये देखिए, अभी तीसरे में हमने मोती डाल के, हमने इसमें मोती डालना है, 6 नंबर की मोती हमने लिया, इसमें छोटी मोती है। इस तरफ थोड़ा सा साइड में करके हमने पीछे से इस तरह से ले लिया है क्योंकि मोती हमारी पीछे जानी चाहिए, तो इस तरीके से हमने मोती को पीछे की तरफ कर लिया। देख सकते हैं आप इस तरह। बंद करो। इस तरह से हमने मोती डाल लिया है। अभी एक लेयर हमने और गांठ लगानी है इधर, तो यहां से हम इस तरफ लेके आएंगे। क्रॉस में ही हमने बनानी है, क्रॉस में ही लेना है सुई इस तरीके से। अब यहां पकड़ के इसको गांठ लगा लीजिए। दूसरा करते फिर दिखाते। मैं आपको एक बार और बना के दिखाती हूँ सिल के। ये देखिए, क्रॉस में हमने धागा लिया है, डबल धागा लिया है, ऊनी हमने लिया है। इस तरह से इसको एक गांठ लगा लीजिए। फिर दूसरी तरफ से हमने क्रॉस लेनी है, दूसरी तरफ से हम क्रॉस ले लेंगे। फिर एक तरफ, दूसरे तरफ से एक बार और लेनी है हमने। ये देखिए इस तरीके से दूसरे तरफ से एक बार और हमने लेना है। इसको मजबूत कर लेंगे हम। अब यहां पर हमने मोती डालनी है जिस तरह दिखाया मैंने, इस तरह मोती डाल के हम पीछे की तरफ मोती करेंगे। ये देखिए, धागे को इस तरफ निकालेंगे, मोती हमारे पीछे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ नहीं, क्योंकि आगे की तरफ हमको पॉम पॉम बनानी है। इस तरह से पीछे से हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से मोती दिखेगा। ये देखिए, पीछे से हमारी मोती इस तरह से दिखेगी, पीछे इस तरह से बीच में हमारी मोती दिखेगी। इसी तरह हम सब पूरी लाइन हम इस तरह से बांध लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए, जोड़ने के बाद इस तरह से दिखेगा, सारे हमने जोड़ लिए। ये उल्टी दिशा में पीछे बाजू हमने जो मोती लगाया है, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने क्रॉस में मोती लगाया है जिस तरह मैंने बताया आपको, उस तरह से। और ये हमारा सीधा बाजू जिस तरह से हमने बांधा है, जिस तरफ से, इस तरह से हम बना लेंगे पूरा। अभी हमें पॉम्पम बॉल के लिए उल्टा बाजू से यहां से हमने कट देनी है, बीच बीच से हमने कट देनी है ऊपर की तरफ। ऊपर का हिस्सा हम बीच से काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा काटा है, नीचे का हिस्सा नहीं काटा है। इस तरह से हमारे चारों तरफ से हम कट कर लेंगे, साइड का किनारा हम छोड़ देंगे, बीच से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आसानी से कट जा रहे हैं, ये हमारे पॉम्पम बाल हो जाएंगे, बॉल की तरह दिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम सारे काट लेंगे, इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे। देख सकते हैं आप हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। नीचे का हिस्सा हम नहीं काट रहे हैं, जामनी कलर हम नहीं काट रहे हैं, ऊपर का हिस्सा काट रहे हैं, बीच से हम काटेंगे इसे। इसी तरीके से हम सब काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने
काट के बना लिया है आगे की तरफ फ्लावर की तरह। ये पीछे का हिस्सा हमारा जो मोती हमने डाला है, ये पीछे का हिस्सा है। अब हम इसे साइड से काट के निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए साइड से काट के हमने निकाल लेना है फ्लावर, फिर किनारे हम चारों तरफ से काट लेंगे इस तरीके से। इस तरह से चारों तरफ से काट के निकाल लेंगे हम।